नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचली धाम में बनने वाली चने की दाल। चने की दाल में लगने वाली सामग्री है, चने की दाल ले ली है आधी कटोरी, उसको हमने आधा घंटा पानी में भिगो लिया है। मैंने पहले से भिगो के रखा है, वो लगभग डबल हो चुकी है। एक चम्मच घुली हुई हींग, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, एक बड़ा चम्मच देसी घी, आधा छोटा चम्मच मेथी पाउडर, एक बड़ी इलायची, तीन लौंग, छोटे टुकड़े दालचीनी के, एक फूल जावित्री का, एक छोटा इस चम्मच के नाप से एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच साबुत जीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच पीसी हुई छोटी इलायची, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चना मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच लेना है मोटी सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, एक चम्मच साबुत धनिया, दो तेज पत्ता और एक बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, इसे गरी कहते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन करनी है। गैस ऑन करेंगे और पतीला रख दिया है। हम इस दाल को पतीले में बनाएंगे, कुकर में नहीं बनाएंगे क्योंकि पतीले में बहुत टेस्टी बनती है दाल। कुकर में बनाने से वो टेस्ट नहीं आएगा। पानी भी डाल देंगे। आंच तेज कर देंगे। अब जैसे से दाल का पानी गर्म होगा तो झाग बनना शुरू हो जाता है, तो इस झाग को हमने करछी की मदद से निकाल देना है। ये हमने तब तक करना है जब तक कि झाग बनना बंद नहीं हो जाता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे पानी उबाल आ रहा है, झाग बनता जा रहा है, तो फिर से हमने इसके झाग को निकाल देना है, दाल के झाग को निकाल। झाग आना बंद हो गया है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। हल्दी को घोल के रख देंगे। आंच कम कर देंगे। इसमें हमने साबुत धनिया डालना है। हथेली की मदद से थोड़ा हम मसल लेंगे, इससे इसमें दाल में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। सौंफ डाल लेंगे क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट इसमें सौंफ होता है।
फिर हमने इसके बाद सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसको हमने जो घुली हुई हल्दी थी, पेस्ट बनाया हल्दी का, वो हम डाल देंगे। मिर्ची की मदद से हिला देंगे। अब इसको हमने पकने देना है। थोड़ी देर के बाद हमने जीरा भी डाल देना है। दाल को तब तक पकाना है जब तक कि गल नहीं जाती है। इस दाल को गलने में 15 से 20 मिनट लगे हैं। ये देखिए, एक दाना निकाल के देखेंगे, दाल गल चुकी है। अब इसको हम करछी की मदद से थोड़ा मैश कर देंगे। ज्यादा मैश नहीं करनी है, हल्का हल्का मैश करेंगे दाल को। इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब फिर से हमने मसालों का पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए एक बर्तन लेंगे। मेथी पाउडर डाल देंगे एक बर्तन में। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच चना मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और पीसी हुई छोटी इलायची। और इन मसालों को हमने, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, इनको हमने मिक्सी में पीस के थोड़ा पाउडर बना लेंगे। मोटे मसाले को हमने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया, इसको भी हमने बाकी मसालों में मिला लेना है। कसूरी मेथी भी मिला लेंगे। तेज पत्ते को हमने तोड़ लेना है, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, मरोड़ लेना है, फिर डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हमने पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने से मसालों का दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, दाल में अच्छे से मसाले मिल भी जाते हैं। अब इसको हमने डाल देना है। मसाले के पेस्ट को करछी से हिलाएंगे। एक चम्मच देसी घी भी डाल देंगे। दाल को और सुखाना है, उसके लिए आंच तेज कर देंगे। क्योंकि ये चने की दाल जो होती है धाम में जो बनती है वो गाढ़ी होती है। दाल गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाती है। इसमें हमने ग्रेट की हुई करी डाल देंगे।
तेज पत्ते को हमने 3 मिनट तक दाल में पकाना है, उसके बाद हम दाल में से तेज पत्ते को निकाल देते हैं। हिमाचली धाम की चने की दाल बनके तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हिमाचल की धाम की रेसिपी चने की दाल बनके तैयार है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी बनी है। इसे हमने पतीले में बनाया है जिससे दाल बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे धाम में बनती है, और इसको कुकर में बनाने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और यदि आपके पास पीतल का बर्तन है तो उसमें आप इस दाल को जरूर बनाएं तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम चावल के साथ खा सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।